वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 है ट्राइब्स नॉमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इधर कुछ दिया हुआ है आपको, इनको आपको मैच करना है। तो सीधे हम आंसर देखेंगे। जो घर है उसका मतलब क्या होता है? 84। टांडा मतलब कारवा, जो लोगों का कारवा निकलता था। लेबर लोगों को क्या बोला जाता था? पेक, जो फोर्स लेबर होती थी। क्लैन का मतलब खेल। और शिव सिंह का मतलब है अहोम स्टेट। दुर्गावती का मतलब है घर कटंग। ओके, चलिए अब हम करेंगे गाइस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आंसर देखेंगे। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन द वर्नास वर कॉल्ड। जो नई कास्ट इमर्ज हो रही थी वर्ण में से उनको क्या कहा जाता था? जातीज। डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम्स। अहोम्स ने जो हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे थे उनको क्या कहा जाता था? बुरांजीज। डैश मेंशंस द ग्रह कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। किसमें लिखा हुआ है कि जो घर गरहा कटंगा होता था उसमें 70,000 गांव होते थे, अकबर नामा में लिखा हुआ है। एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे ट्राइबल स्टेट्स बड़े होते गए स्ट्रॉन्गर होते गए, दे गिव लैंड ग्रांट्स टू, उन्होंने लैंड ग्रांट्स दे दी किसको? पोएट्स को और स्कॉलर्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक जो है वो फिल कर देंगे। अब है हमारा ट्रू फॉल्स। तो देखिए, ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। ट्राइबल सोसाइटी में क्या था? ओरल ट्रेडिशन, काफी रिश्ते। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सब कॉन्टिनेंट की कोई ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं थी। अरे भैया वहां पे तो थी, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन्ड सेवरल सिटीज। वो कह रहा है 84 जो गोंड स्टेट्स में थे उसमें कई सारे सिटीज होते थे, नहीं उसमें कई सारे गांव होते थे, विलेजेस। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। द भील लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ये कह रहा है जो भील लोग हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, नहीं गलत है भाई, वो तो राजस्थान साइड रहते थे ना। तो ये भी है फॉल्स। अब हमारे स्टार्ट हो रहे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन क्या है? वॉट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड द सेटल्ड एग्रीकल्चरल्स। जो नोमैडिक लोग थे और एग्रीकल्चरल यानी कि जो फार्मर लोग थे, इनके बीच में क्या क्या चीज एक्सचेंज होती थी? तो सबसे पहले आप समझो कि नोमेड्स लोग कौन होते हैं। नोमेड्स लोग ये हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और इनके पास काफी सारे जानवर होते हैं। ठीक है, तो ये जो नोमेड्स लोग हैं इनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं। तो जो भाई जाहिर सी बात है, अगर इनके पास जानवर होंगे, कैटल होंगे, तो इनके पास दूध होगा भाई, जो भेड़ वगैरह होंगी उनसे इनको वूल यानी कि ऊन मिलेंगी, घी मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे, जो किसान लोग होते थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनको क्या दे देते थे? दूध देते थे, वूल देते थे और घी देते थे। उसके बदले में ये लोग उनसे क्या लेते थे? अब जो किसान है जो ग्रेन उगाएगा उनसे ग्रेन ले लिया, गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, उनसे कपड़े ले लिए बदले में, उनसे बदले में बर्तन ले लिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट गेव मिल्क वूल एंड घी। देख रहे हो, मिल्क दे रहे हैं, वूल दे रहे हैं और घी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? टू सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि जो किसान लोग हैं उनको ये तीन चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मिल्क यानी कि दूध, वूल यानी कि ऊन और घी, इन एक्सचेंज ऑफ। और उसके बदले में उनसे क्या लेते थे? ग्रेन। ग्रेन का मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपड़ा हो गया, क्लोथ हो गया, यूटेंसिल्स यानी बर्तन हो गए या कुछ अदर प्रोडक्ट्स। How was the administration of the Ahom state organized? जो Ahom state था उसमें administration कैसे होता था? देखो, सबसे पहले तो किसी भी state में काम करने के लिए आपको labor लगेगी। तो जो labor होती थी वो forced labor होती थी, जिसको क्या कहा जाता था? पेक। ठीक है, पहला point तो आपको ये याद रखना है। तो पहले point में क्या लिख दोगे? पहले point में लिख दोगे The Ahom state dependent upon the forced labor। जो forced labor थी उस पर dependent रहता था। These forced workers were called pigs। इनको pigs कहा जाता था। दूसरा, आपने देखा होगा हर कंट्री में हर जगह पे सेंसस होता है, यानी कि जनगणना, मतलब इसको किस कंट्री में कितने लोग हैं। तो ऐसे ही सेंसस होता था टाइम टू टाइम। ठीक है,
तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे, अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, ठीक है, अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वो भी होता था। अब जितने भी विलेज थे, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्कूलों में ये सिस्टम होता है, बेटा आज ये वाले दो बच्चे आगे बैठेंगे, फिर उसके बाद ये वाले दो बच्चे आगे बैठेंगे, ये मतलब रोटेशन चलता है सीट्स का, ताकि हर बच्चे को आगे बैठने का मौका मिलता रहे। तो ऐसे ही जो ये जो पेक लोग थे, जो फोर्स लेबर थी, इनका भी रोटेशन चलता था कि इस दिन इस वाले गांव से आएंगे, इस दिन इस वाले गांव से आएंगे। तो क्या लिख दोगे, ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन, हर गांव को कुछ लोग भेजने पड़ते थे रोटेशन के हिसाब से। अब इस गांव का नंबर आ गया, इसके बाद ये वाला गांव भेजेगा, इसके बाद ये वाला। एक और काम किया जाता था, जहां पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां से लोगों को माइग्रेट कराया जाता था ऐसी जगह पे जहां कम लोग रह रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लोग को माइग्रेट किया जाता था। तो एक पॉइंट लिख दोगे, पीपल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरियाज, जहां ज्यादा लोग रहते थे, वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज या लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, ऐसी जगहों पर उनको शिफ्ट किया जाता था जहां पे कम लोग रहते हो। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं तीन तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइज। वॉट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी, वर्ण बेस्ड सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, आपको पता थे चार वर्ण थे, है ना, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। तो क्या क्या चेंजेस हुए, पहला चेंज ये हुआ, स्मॉल कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्णास, छोटी छोटी जातीज बनने लगी वर्णों के अंदर। मैनी ट्राइब्स बिकेम अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, जो लोग ट्राइब लोग होते हैं जंगलों में रहते थे, उनको भी अब कास्ट में जगह मिलने लगी, उनकी भी एक कास्ट बनने लगी। और जो आर्टिशंस लोग होते थे, जैसे लोहे का काम करने वाले, सुनार का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, कारपेंटर्स हो गए, मजदूर मिस्त्री जो होते हैं, जो घर वर बनाते हैं, मेजन्स हो गए, वर ऑल्सो रिकोगनाइज एज सेपरेट जाति, इनकी भी एक अलग जाति बन गई। आपने अगर आप अपने फादर से बात करोगे तो उनके गांव में ऐसे बताते थे कि हमारी जाति क्या है कि हम ये नाई लोग हैं, ये बढ़ई लोग हैं, है ना। अमंग द क्षत्रियाज, क्षत्रिय लोग में क्या होते थे, जो न्यू राजपूत क्लांस थे वो ज्यादा पावरफुल बन गए, उनके पास और ज्यादा ताकत आ गई। हाउ डिड द ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट, जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उसमें क्या क्या चेंज आए जब वो स्टेट बना। नंबर वन, इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इंटू अनइक्वल, जो सब लोग पहले बराबर रैंक पे थे, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, लेकिन अब क्या होने लगा, अनइक्वल सोशल क्लासेस बन गई कि भैया हम तो तुमसे हाई कास्ट हैं और तुम लो कास्ट हो। ब्राह्मण्स रिसीव द लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास, जो गोंड राजास थे, जो किंग थे, वो ब्राह्मण लोगों को जमीन दान करने लगे, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण लोग थे वो और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, इन्फ्लुएंशियल मतलब उनकी थोड़ी पावर बढ़ गई। द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, और जो चीफ लोग थे गोंड्स वो अब क्या चाहते थे कि अब हमको ऐसे जाना जाए कि हम भी एक राजपूत हैं। वर द बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, बंजारास कौन होते हैं, वही लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने कैटल वगैरह के साथ। तो बंजारा क्यों जरूरी थे, वो एक जगह से कोई सामान खरीदते थे कम प्राइस में और दूसरी जगह जाके उसी को, जैसे यहां से 10 रुपए में खरीदा और दूसरी जगह जाके उसको 20 रुपए में बेच दिया। तो इससे क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन रहता था, चीजों का एक्सचेंज होता रहता था। दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन टू द सिटी मार्केट, तो वो ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते रहे। दे यूजली बॉट ग्रेन वेयर इट वॉज चीपली अवेलेबल एंड कैरीड इट टू द प्लेस वेयर इट वॉज सोल्ड एट हायर रेट्स, वो ऐसी जगह से सामान खरीदते थे, ग्रेन खरीदते थे जहां पे वो सस्ते दाम में उन्हें मिल जाए और ऐसी जगह बेच देते थे जहां पे उसका रेट हाई हो। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोडेड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग दैट कुड बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन द अदर, अब जैसे यहां से वो ग्रेन भर के गए अपने बैलों में, ठीक है, अपनी गाड़ी में, यहां जाके उन्होंने गाड़ी खाली कर दी, बेच दिया हाई प्राइस पे, अब यहाँ पे जो सस्ती चीज मिलती होगी उसको भर लाएंगे और यहाँ पे फिर इसको बेच देंगे, मतलब दोनों बार जब ये जाएंगे तो दोनों केसेस में बिजनेस होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गोंड्स थे वो अहोम से डिफरेंट कैसे थे, तो एक हम इसकी टेबल बना लेंगे, एक तरफ गोंड्स लिख लेंगे एक तरफ अहोम। जो गोंड्स लोग है वो गोंडवाना में रहते थे और अहोम्स लोग ब्रह्मपुत्र वैली में रहते थे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे गोंड्स लोग,
ये अहोम शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते थे। गोंड्स लोगों के जो किंगडम होते थे वो लार्ज किंगडम थे, इनके किंगडम कैसे थे, स्मॉल किंगडम। अब ये पूछ रहा है इनमें सिमिलैरिटी क्या थी, इनमें सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों को ही, गोंड्स लोग हों या अहोम्स लोग हों, बाद में जाके इनको रूल किसने किया, मुगल्स। द मुगल्स ट्राइड टू कंट्रोल द लैंड्स ऑफ बोथ, ठीक है। देयर वर चेंजेस इन सोसाइटी ऑफ बोथ ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। अब दोनों ही सोसाइटीज में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, नाई भी रहते थे, बढ़ई भी रहते थे, लोहे का काम करने वाले भी, सोने का काम करने वाले भी, तो उसी के बेस पे क्या होने लगा, डाइवर्सिफिकेशन होने लगा। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको आंसर में बस ये लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्राइबल सोसाइटी हैड रिच ओरल ट्रेडिशन, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया था, तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।